अब मेरे पीछे यूएसए के फ्लोरिडा में आपको जो नॉर्मल सा 3 स्टार होटल नजर आ रहा है, इसके बेसिक रूम का एक दिन का किराया 12,500-13,000 रुपए तक आसपास पहुंच गया। इसीलिए ट्रैवल व्लॉगिंग जो है ना, हमारे लिए ऑलमोस्ट फाइनेंशियली इम्प्रैक्टिकल अनफीजिबल हो गई है। दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी हैव कम टू यूएसए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आरवी शो हो रहा है ओकलाहोमा में, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ मोटर होम्स इन ऑल कैटेगरीज पड़े होंगे, ताकि हम चूज कर सके कि हमारे लिए कौन सा मोस्ट सूटेबल रहेगा, सिर्फ यूएसए कनाडा नहीं वर्ल्ड ट्रैवल के लिए, फिर चाहे वो यूरोप हो या अफ्रीका। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मोटर होम्स देखने और साथ में आपको भी दिखाने। किराए की गाड़ी 40,000 रुपए की पड़ गई है लगभग एक हफ्ते के। ऊपर से यूएसए वगैरह में आप महंगी कंट्री यूरोप वगैरह जाओ, एक टाइम की मील हम तीन लोग क्योंकि ट्रैवल करते हैं $50 के आसपास पड़ जाती है, 4,000 रुपए। तो इसीलिए भैया ये मोटर होम जो है ना, ये हमारा गाड़ी का काम, हमारी किचन का काम और हमारे होटल सारे काम करेगा। मोटर होम जो होते हैं ना, कई डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। सबसे पहले तो आती है क्लास ए, जो आपको मेरे पीछे नजर आ रही है, पूरे बस के टाइप की। ये मैंने पहले चलाई हुई है, कनाडा की मेरी जो पहली मोटर होम सीरीज थी वो क्लास ए में थी। उसके बाद क्लास सी भी होती है जो पहले यूज करी हुई है, मगर मैं पहले आपको दिखाऊंगा क्लास बी, जो कि बहुत कम लोगों ने मेरे चैनल पर देखी होगी क्योंकि मैंने कभी ये पर्सनली यूज नहीं करी। और बेसिकली ये एक वैन होती है जो कि आप ये लगा लो या तो फोर्ड की शेसी के ऊपर होगी या फिर मर्सिडीज की शेसी के ऊपर। वुड यू लाइक टू शो अ क्लास बी स्वीट हार्ट? Sure, come around. Okay. So it's basically van life, right? Yeah. So you're more limited into your space, but then you get the flexibility of movement, which is a big plus, especially if you're traveling to national park and around. Yeah. So I really like the layout of this one, especially because of this extra bed here. I don't know if you can show it, it's some extra good space for sleeping. So this opens up, तो ये खुल जाता है भैया, तो यहाँ सोने की जगह है, बाकी आप बीच में यहाँ पे आके लोग बैठ के जा सकते हैं। मम्मी could easily be sitting here, or you could be sitting here editing the videos. While I drive, someone else is driving. Yes, I know. और ये वाली जो है ना, ये Ford की chassis के ऊपर बनी हुई है, so it's not all that expensive as compared to the one that is built on the Mercedes chassis. अब अगर हम आगे की तरफ आएं, तो यहाँ पे मैं आपको इसका जरा वॉशरूम अगर दिखा दूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा टाइट है, मगर इसी के अंदर ही गुजारा करना होता है। मगर क्योंकि इसमें एक ऊपर बेड है, तो इसलिए थोड़ी सी जगह फिर भी ज्यादा निकल आती है। See, so the storage space is kind of limited. It's really not deep. Oh yeah, that's true. अच्छा, और दूसरी चीज, अब यहाँ पे भी एक क्वीन बेड बन जाता है इसके अंदर अगर आपने रहना। और ये आगे किचन आपकी, इसके अंदर आपका इंडक्शन कुकर और माइक्रोवेव, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये टीवी लगा हुआ है। What is this? Small fridge. The size is good. But this runs on 12 volt. Yeah. और इस कंपनी का ये है, उसका नाम है Entegra, 2023 मॉडल है, BSD का वेरिएंट है, और MSRP यानी मैक्सिमम सजेस्टेड रिटेल प्राइस जो मैन्युफैक्चरर बताता है वो है $1,71,000, जो कि रिसेंटली प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं कोविड के बाद से। अब इनकी डिमांड डाउन हो गई है, तो थोड़े से प्राइसेस फिर भी गिर रहे हैं, इसीलिए डिस्काउंट जो लगा हुआ है शो प्राइस वो है $1,16,000, मतलब आप हिसाब लगा लो $54,000 सस्ता मिल रहा है। इसीलिए हम जो हैं इन आरवी शोज पे आए हैं, ताकि आपको हर तरह के मोटर होम दिखा सके। जैसे ये रैम ऊपर खुला हुआ है, मगर ये जो है मर्सिडीज पे बना हुआ है स्प्रिंटर वैन की शासी के ऊपर। ये भी आपको दिखाता हूं अंदर से कैसे होता है, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। अब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है जी, यहाँ पे आपने बैठने की जगह बनाई हुई है, आपका लिविंग है, इसके अंदर पैर लग के टेबल बन जाता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो बैठ के बंदा टीवी देख सकता है, अपना काम कर सकता है, और यही चीज़ जो है रात को एक क्वीन बेड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये मर्सिडीज़ की लेटेस्ट शेसी है, तो इसलिए इसके अंदर अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, लटरम पटरम कैमरे फैमरे, जितने फीचर्स आप सोच सकते हैं ना मॉडर्न वाले, वो सारे हैं। पूरा मोटर होम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होता है, और ये यहाँ पर जो है गैस का चूल्हा लगा हुआ है, क्योंकि इनके अंदर जो है ना प्रोपेन के बर्नर टैंक्स होते हैं, जिससे कि इसको गैस मिलती है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, इसका नाम है सैंक्चुरी। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, तो दूसरे वाले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है,
अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखो, उसकी वजह ये कि ये 4x4 यानी कि ऑफ रोडिंग करने वाला मोटर होम है। इसमें आपको कहीं ले जाओ, इसको किसी भी नेशनल पार्क में बून डॉकिंग बंदा कर सकता है। और क्योंकि ये छोटे हैं तो इनकी जो मेन एडवांटेज है उसके अंदर शामिल है सोलर कैपेबिलिटीज। इनकी छतों के ऊपर बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल लगे होते हैं और इनके अंदर लिथियम बैटरीज होती हैं। और लिथियम बैटरी होने का मतलब ये है, वो जो थर्मल ऑफ टेस्ला के अंदर होती है ना वैसी बैटरीज, वो क्या करती हैं आपके जो जनरेटर है आपको जरूरत नहीं पड़ती उसकी। आपका जो फ्रिज है वो भी स्पेशल 12 वोल्ट पावर वाला होता है, वो बैटरी से चल सकता है। जनरेटर 8-8 घंटे इनके सिर्फ लिथियम बैटरीज पे चल जाते हैं। और इनके अंदर स्पेशल अल्टरनेटर होते हैं जो कि इंजन के अंदर होते हैं, जो आपकी गाड़ी को की बैटरी को चार्ज करते हैं ना जब गाड़ी चलती है, वो साथ साथ कोच की बैटरी को भी चार्ज कर देते हैं। तो वो जो लिथियम बैटरी है उसके अंदर 4-5 सोर्सेज से इनपुट जाता है और ये बून डॉकिंग यानी कि ऑफ ग्रिडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहते हैं। क्योंकि एक तो आप इनको कहीं ले जाओ, ऊपर से सबसे बड़ी एडवांटेज इनकी ये है किसी भी पार्किंग स्पॉट के अंदर फिट हो जाएंगे। और अगर आपने इनमें वर्ल्ड ट्रैवल करना है, जैसे कि अगर आपने उबड़ खाबड़ सड़कें हैं जिन कंट्रीज़ में, आप मान लीजिए आपने कोलंबिया लेके जाना है इनको, या फिर आपने साउथ अमेरिका जाना है, या फिर फॉर दैट मैटर चाहे उबड़ी खबड़ी सड़कों की बात ना भी करें, अगर इनको यूरोप लेके जाना है तो यहाँ से एक शिप में डालो, $7,000 दो और ये पहुंच जाएगा यूरोप, जहां पे आप पूरा यूरोप इसमें घूम सकते हैं। क्योंकि यूरोप की सड़कें बहुत छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू यूएसए, बड़े बड़ी सड़कें नहीं होती। सो दिस इज़ समथिंग दैट कैन गो इधर साउथ अमेरिका और यूरोप विद ग्रेट कम्फर्ट एनी वेयर इन द वर्ल्ड। वैन लाइफ इज़ अ थिंग बट आई डोंट थिंक इट्स अ थिंग फॉर अस बिकॉज आई लाइक यू नो समथिंग बिग। I think it's a matter of priority. It's a matter of priority. What do you want? We could adapt if we wanted to. You might have to put a trailer behind if you want to carry a lot of luggage. Yeah, I think the main thing when you're traveling with those vehicles is that you need to take more frequent break in order to, you know, feel at home, because it can feel really confined after some time. Yeah. Compared to when you travel in a bigger motorhome, it already kind of feel like home if you have enough space. एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ा पॉइंट है एक्चुअली। महीनों महीनों जब बंदा ट्रैवल करता है ना तो उसके अंदर चीज़ समझ आती है, बट क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर इतना पॉपुलर हो गया है, अगर लोगों के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो इसको लेके बंदा इंडिया भी आ सकता है। सिर्फ जो है ना वो इसकी सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी टैक्स की, बट इट कैन बी टेकन एनीवेयर, साइज देखो ना पहियों का, तो ये वैन लाइफ तो कहीं भी चल सकती है। अब जी ये क्लास बी का एक और मॉडल है जो सैंड्रा को बड़ा पसंद आया, रीजन बीइंग ओपन रूमी और स्पेशियस है। सीट सिर्फ दो हैं वहाँ बैठने के लिए, किचन का एरिया आप ये छोटा देख सकते हैं, एंड देयर इज लाइक अ ट्विन बेड काइंड ऑफ अ सिस्टम। यस, बिकॉज़ द शावर इज एट द बैक, देयर इज नो डिविजन हियर, सो इट फील्स वे मोर ओपन, एंड दोस टू बेड सीट्स आल्सो वेरी कंफर्टेबल। या यू कैन बी इवन वर्किंग फ्रॉम देयर। ओह, ये तो लेट गई। अरे, एंड ये वॉशरूम है जी इसका यहाँ पे पीछे, बट ओ छोटी सी स्टोरेज है। आई वाज जस्ट अबाउट टू से वेयर इज स्टोरेज, तो जी कपड़े कपड़े टांगने हो तो हल्का फुल्का, बट दिस इज मोर लाइक अ वीकेंड थिंग, यू कैन नॉट लाइक लिटरली लिव इन दिस थिंग। यू कैन, या डज दिस थिंग कम डाउन? नो आई डोंट थिंक सो, कहीं के अंदर ना ये नीचे आ जाता है। या ओके, सो दिस इज लाइक योर वर्क स्टेशन। ये जी इसका फ्लोर प्लान लगा हुआ है और ये रहा इसका प्राइस, $133 की $28 का डिस्काउंट, $14। It can be easily negotiated for $95, I think. Yeah, I'm sure. But I know you're not willing to go that small yet, so I won't try to convince you. Yeah, can we go to my favorite class of motorhomes now? Class C, right? Class A. तो जी फाइनली हम आ गए हैं ऐसे मोटर होम में जो मेरी फेवरेट कैटेगरी है, क्लास ए, पूरे बस के साइज़ के जैसे होते हैं ना। इसके अंदर लिविंग बनी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा स्क्रीन है और जो पूरी स्क्रीन है सामने आगे वो भी डिजिटल है। मैडम तो है जो अपना आगे फर्स्ट क्लास यहाँ बैठ गई है। दीज आर इलेक्ट्रॉनिक बट आई थिंक इट्स नॉट ऑन बैटरी। ये डायनेट हो गया आपका। पूरी बड़ी किचन है जिसके अंदर चूल्हे जो है ना इंडक्शन वाले हैं, गैस वाले नहीं है। मम्मी वुड लाइक इट अदरवाइज, बट द गुड थिंग इज यू सी द सोफाज बोथ on each end, this can convert to a bed। और ये जी इसको टेलीवेटर बोलते हैं, ये ऊपर आ जाता है और इसमें से जो है ना टेलीविजन लेकर आता है पूरा, जिसे कहते हैं ना होम डोमेस्टिक साइज, नॉट ओनली माइक्रोवेव बट ऑल्सो अ डबल डिन जिसे कहते हैं डबल डोर रेफ्रिजरेटर। और बेड, ओ बेड तो इसके अंदर फोल्डिंग वाला है, यानी इसको एक्सटेंड किए बिना आप इस बेड पर सो नहीं सकते, ये किंग बेड नहीं बनेगा। दैट इज़ वन थिंग अबाउट इट। बट यहाँ भी टीवी लगा हुआ है, स्टोरेज आप देख सकते हैं अच्छी खासी है। ये क्लास ए है ना पूरे बस टाइप। और बाथरूम देखो जी, ये आ गई बढ़िया पॉटी सीट, बंदा आराम से बैठ के हल्का हो सकता है। और ये हो गया अपना शीशा वीशा यहाँ पे। ओ स्लाइड आउट, ओ ओके, उस साइड पुल इट आउट। दिस इज द ड्रीम। आई नो, यू वांट टू टेल द प्राइस ऑफ दिस मोटर होम? तो
Yeah, this one is actually affordable. No, this one. This one is expensive. This one is $300,000. वैसे 4,26,000 का है. जिन लोगों ने पहले मेरे चैनल पे मोटर होम से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी उनकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि इनके अंदर जो वॉशरूम्स होते हैं इनके अपने इंडिपेंडेंट टैंक होते हैं यहाँ पे. तो उसके अंदर जो है गटर का सीवरेज अलग टैंक में स्टोर होती है, फ्रेश वाटर का अलग टैंक होता है, ग्रे वाटर जिससे आप साबुन वगैरह धोते हैं उसके लिए एक अलग टैंक होता है. वो सारे आप कैंपग्राउंड्स में जाके डंप कर सकते हैं और फ्रेश पानी दोबारा भर सकते हैं. उसके अलावा इसके अंदर इन्वर्टर, जनरेटर, सोलर पावर सब कुछ होती है और ये नॉर्मल एक इलेक्ट्रिक शोर लाइन से कनेक्ट हो जाता है 50 एम्प की पावर लेते हुए. और एक तरीके से घर में लाइट आती है वैसे ही पूरे के अंदर लाइट जल जाती है. अब ये वाला जो है ना ये $1,36,000 का, मगर आप देख रहे हो इसकी ये भी फोर्ड का जो है ना इसकी वो है शैसी और सामने इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजेशन इसके अंदर लगी हुई है. और ये आ गई बड़ी सी स्क्रीन और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सैंड्रा की पसंद का है. बैकस्प्लैश लगे हुए किचन के लिए कि भैया आपकी जो है ना तड़के अगर उड़ उड़ के गिरे पीछे तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए. और ये माइक्रोवेव वगैरह सारा स्टैंडर्ड होता है. इसके अंदर भी दो जैसे कहते हैं ना बाथरूम है, एक ही गेस्ट वॉशरूम तो है ही है, मगर अगर आप इसके रूम का जो है ना साइज़ का अंदाज़ा करें कि कितना खुला हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा जी. किंग बेड यहाँ लगा हुआ है, पूरी बढ़िया कैबिनेटरी है. दिस लुक्स एंड फील रियली लाइक अ वन बेडरूम अपार्टमेंट. ओके जी, ये है जी सबसे महंगा यहाँ पे फ्लीट वुड, हाफ मिलियन का. वैसे 170 तो उस पर डिस्काउंट है, इतने का पड़ रहा है. अंदर से देखते हैं कैसा है, लगेगा कुछ ऐसा. एक स्लाइड आउट, दो स्लाइड आउट, तीन स्लाइड आउट, और तेरी की ये भी बार है. तो जो बड़ी शेसीज होती है ना उनके अंदर सबसे पॉपुलर होता है फ्रेट लाइन. अब जो आपको यहाँ दिख रहा है बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं तो इसलिए आप थोड़ी सी लग्जरी का अंदाजा लगा सकते हैं जो आपको बेटर लगेगा अगर आप इसको इस एंगल से देखें. एक स्लाइड आउट यहाँ से बाहर है, एक स्लाइड आउट वहाँ से बाहर है, उधर से भी बाहर है. मैडम जो है अपना आराम से बैठी हुई है फर्स्ट क्लास टेबल के ऊपर, बड़ी सी किचन बनी हुई है, सब कुछ ही जिसे कहते हैं ना इसके अंदर एवरीथिंग आई थिंक इज लाइक डोमेस्टिक लेवल. इवन अ फायर प्लेस कैन बी दैट. पूरा जो कंट्रोल पैनल है ना वो यहाँ से चलता है, फ्लिकर इसलिए कर रहा है क्योंकि थोड़ी बैटरी लो हुई है. लाइट वगैरह आप यहाँ से जला बंद कर सकते हो. स्लाइड आउट सारी इसके अंदर से कंट्रोल होती है, फैंस, एसी, वेंटिलेशन और ये सारी चीज़ें ना मोबाइल ऐप से आपके कनेक्ट हो जाती हैं सो दैट यू कैन कंट्रोल एनी एवरीथिंग विद योर फोन और एलेक्सा होम वट एवर. रेस्ट आपने देख लिया, फ्रिज डबल डोर वाले हैं, टीवी मल्टीपल लगे हुए हैं, दो दो एसी हैं और इसका जो बाथरूम है ना हिज एंड हर्स अलग से बने हुए हैं. और ये पीछे शावर है जो कि थोड़ा सा टाइट है अदरवाइज. अगली आती है जी क्लास सी कैटेगरी, जो आपने मेरी वीडियोस में बहुत देखी होगी क्योंकि मैंने ये बहुत बार रेंट करके चलाए हैं अलग अलग जगहों पे, चाहे वो कनाडा हो चाहे यूएसए. तो इसलिए जरा इनको भी मैं आपको अंदर से दिखा दूं कि आजकल लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है और ब्रांड न्यू लेने हो तो उनकी प्राइस रेंज क्या चल रही है. ये आ गया जी क्लास सी मोटर होम और फोर्ड की, जैसे मैंने आपको बताया शैसी है, इसके अंदर बैठ के आप इसको चला सकते हो. ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है और ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है सोलर के लिए प्रेप्ड है, मगर ये अगर आपने नोटिस किया जो इसके अंदर स्पेस है ना ये स्लाइड आउट नहीं है इसके अंदर. ये फिर भी काफ़ी स्पेशियस लग रहा है देखने में, जबकि बाहर जो अलग से निकला हुआ है वो नहीं है इस चीज़ के अंदर वो फीचर. अगर आप इसके अंदर आपको जो है ना चौड़ाई का अंदाजा देखते ही लग रहा होगा कि क्योंकि पूरी की पूरी दीवार जो है वो बाहर निकली हुई है स्लाइड आउट में. ये बैठने की जगह होगी, डाइनेट हो गया, ये सोफा हो गया, इसको जैक नाइफ सोफा बोलते हैं क्योंकि ये जो है ना खुल के बन जाता है बेड और किचन. और मैडम को देखो लंबी होगी आई तेरी की. दिस इज गुड कंफर्टेबल एंड वॉशरूम बढ़िया, शावर, छोटी सी सिंक, क्वीन साइज बेड और सामने वो. बाकी जी इनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट जो है ना कलर ऑप्शंस, कॉम्पोजिशंस और बेसिक आप जैसे कह सकते हैं ना अलग तरह की किचन वगैरह. तो इनके अंदर इतने फ्लोर प्लान आते हैं जैसे कि घरों के अंदर फ्लोर प्लान आते हैं, डबल डोर वाला ये है. ओके ओ नाइस यार, फिनिशिंग वगैरह जो है ना इसकी काफ़ी अच्छी है. अगर मुझे पसंद आया वो है $1,00,000 का और जो अभी मैंने आपको दूसरा बाद में दिखाया वो है 1,09,000, मतलब 10,000 का फर्क आ गया तरीके से. बट क्लास सी के अंदर ही ना अलग सब कैटेगरीज हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होती है अपने आप में डिफरेंट. जैसे कि ये 4x4 5500 cc के फोर्ड इंजन के ऊपर बनी हुई है जिसको अलग ही चीज़ कहते हैं. उसके अलावा एक सुपर सी और होता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो लगी हुई है जिसमें मैं आपको सारे जैसे कहते हैं ना सी क्लास दिखाऊंगा और वो भी जो हम अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं किन किन वजहों से.
तो जी मॉडल सारे शॉर्टलिस्ट करके हम आ गए हैं, आपको कौन सा पसंद आ रहा हो प्लीज मेरे को जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और माता जी को हम आज लेके गए कि इतने सारे उनमें धक्के उनको क्या खिलाने, जो शॉर्टलिस्ट किए हैं उनमें से उनको एक दिखा के उनके व्यूज जानेंगे और फिर आप बताइएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए उनमें से कौन सा ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि सैंडा और मेरी चॉइसेस जो है ना पोल्स अपार्ट है। बाकी वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।